नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी मतदाताओं तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारका मिश्रा भी क्षेत्र की जनता के बीच जाकर अपने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर समर्थन मांग रहे हैं। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में भाजपा, कांग्रेस के अलावा शिवसेना, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी पार्षद पद की दौड़ में हैं। हालांकि पूर्व पार्षद रह चुके द्वारका प्रसाद मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वार्ड में लोगों से मुलाकात कर पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर अपने समर्थन में अपील कर रहे हैं। शक्तिनगर चौक, इंदिरा स्कूल रोड, पांडे चौक सहित अन्य क्षेत्रों में अपने समर्थकों के साथ जाकर उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की। हरिजन बस्ती जो हमारे यहाँ की सबसे स्लिम बस्ती है, वहाँ पे हमने जनसंपर्क किया। कोरोना काल में वहाँ पे गया, लोगों की सहायता करी। वो बार बार उसी घटना को याद दिलाते, भैया आप बहुत सहायता करते, लेकिन भैया ये खराब है, वो खराब है। प्रशासक जो 3 साल नगर निगम में रहा, उसने पूरे जबलपुर शहर का कबाड़ा कर दिया। निश्चित रूप से ईश्वर हम लोगों को मौका देगा, जनता हमको मौका देगी, ये स्लिम बस्तियों के लिए और प्लेन एरिया के लिए जो अनियोजित विकास है नगर निगम का, उसका दंश पूरे शहर की जनता भोग रही है। हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे और प्रयास करेंगे कि जबलपुर शहर बहुत अच्छा शहर बने।